हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सबनास। वेलकम टू माय चैनल मिराकुलस टैक्सेस। टुडे आई एम हियर विथ अनदर वीडियो ऑन जीएसटी, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन जीएसटी। जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज की परचेज एंड सेल के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको कौन यूज़ कर सकता है, ये सब आज हम जानेंगे। इस वीडियो में हम 13 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और यदि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल मिराकुलस टैक्सेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू पोस्ट और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस आप तभी इशू कर सकते हैं जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। बट यदि आपकी गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की कैटेगरी में आती हैं या फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। टैक्स इनवॉइस में आप ज़ीरो रेटेड सप्लाईज भी शो कर सकते हैं। नंबर 2, बिल ऑफ सप्लाई। हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज या कंपोजिशन डीलर्स के केस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है, उनके केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। नंबर 3, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, मतलब कि कंबाइंड इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू करता है। मान लीजिए आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप एक सेल करते हैं जिसमें टैक्सेबल गुड्स भी हैं और कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स भी। इस केस में आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो तो टैक्सेबल सप्लाई के केस में इशू होता है, और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई भी इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज या कंपोजिशन डीलर्स के केस में इशू होता है। तो इस केस में जहाँ दोनों टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी, आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। नंबर 4, रिसीट वाउचर। ये रजिस्टर्ड पर्संस इशू करते हैं उस केस में जहां उनको किसी सेल के लिए एडवांस पेमेंट रिसीव हो जाती है। टैक्स इनवॉइस तो सप्लाई के टाइम पर इशू किया जाता है, बट आपको जब पेमेंट सेल करने से पहले मिल जाए तब आपको रिसीट वाउचर इशू करना होता है। नंबर 5, रिफंड वाउचर। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू करता है और ये तब इशू किया जाता है जब आपको किसी सेल के लिए एडवांस पेमेंट रिसीव हो गई थी जिसके लिए आपने रिसीट वाउचर इशू कर दिया था, बट फ्यूचर में जब एक्चुअल सेल का टाइम आया तब किसी वजह से आप सेल नहीं कर पाए, तो इस केस में आपको रिफंड वाउचर इशू करना होगा एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट। नंबर 6, पेमेंट वाउचर। ये रजिस्टर्ड पर्संस इशू करते हैं उस केस में जहां रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पेमेंट करना हो, और ये इशू कब किया जाएगा, जब सप्लायर को पेमेंट हो रही हो। नंबर 7, डेबिट नोट। एक रजिस्टर्ड पर्सन डेबिट नोट तब इशू कर सकता है जब एक्चुअल सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू या फिर सप्लाई पर चार्ज किया गया टैक्स अमाउंट इनवॉइस में मेंशन्ड टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट से ज़्यादा हो। डेबिट नोट इशू करने के बाद आपकी जीएसटी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 8, क्रेडिट नोट। एक रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नोट तब इशू कर सकता है जब सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट इनवॉइस में मेंशन्ड टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट से कम हो, या फिर उस केस में जहां गुड्स को वापस लौटा दिया हो या फिर गुड्स और सर्विसेज डेफिशिएंट हो। क्रेडिट नोट इशू करने के बाद आपकी जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाएगी। नंबर 9, सेल्फ इनवॉइस। ये इनवॉइस एक रजिस्टर्ड पर्सन तब क्रिएट करता है जब रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर इनवर्ड सप्लाईज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव कर रहा हो। नंबर 10, आईएसडी इनवॉइस। ये इनवॉइस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
अपनी ब्रांचेस को इशू करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सपोज़ एक कंपनी जो कि ISD है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसकी ब्रांचेस पुणे, हैदराबाद और भोपाल। अब दिल्ली हेड ऑफिस कुछ इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर करता है जो कि तीनों ब्रांचेस यानी कि पुणे, हैदराबाद और भोपाल भी यूज़ कर रही हैं, और क्योंकि हेड ऑफिस ये सर्विसेज ले रहा है तो बिल्स भी हेड ऑफिस दिल्ली के नाम से होंगे। लेकिन हेड ऑफिस अकेले तो आउटपुट सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगा जिसमें वो सारी इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट अकेले क्लेम कर ले, इसलिए हेड ऑफिस कॉमन इनवॉइसेस का क्रेडिट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि वो ब्रांचेस क्रेडिट क्लेम कर सकें। नंबर 11, रिवाइज्ड इनवॉइस। ये इनवॉइस न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में इशू किया जा सकता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर अभी तक GST रजिस्ट्रेशन की थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम था, बट ड्यूरिंग द ईयर आपका टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है, अब आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इस केस में आप जिस डेट से GST रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए वो है आपकी इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जिस डेट का आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो है डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यदि आप इस टाइम पीरियड के बीच में, मतलब इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के टाइम पीरियड में कोई इनवॉइस इशू करते हैं, उस इनवॉइस का रिवाइज्ड इनवॉइस आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मिलने के 30 डेज के अंदर इशू कर सकते हैं। नंबर 12, ई बिल। ये कोई इनवॉइस नहीं है बल्कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो गुड्स को मूव करने वाला पर्सन बनाता है और उसमें शिपमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन करता है, लाइक नेम ऑफ कंसाइनर, नेम ऑफ कंसाइनी, ओरिजिन ऑफ कंसाइनमेंट, डेस्टिनेशन, रूट एक्सेट्रा। नंबर 13, डिलीवरी चालान। हम लोग अक्सर डिलीवरी चालान, ईवे बिल और इनवॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिलीवरी चालान वहाँ इशू किया जाता है जहाँ गुड्स का मूवमेंट होना है, बट कोई भी इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई कुछ भी इशू नहीं हुआ है। डिलीवरी चालान किन कंडीशंस में इशू किया जा सकता है? जॉब वर्क के केस में जहां गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना हो, स्टॉक ट्रांसफ़र के केस में जहां सेल नहीं हो, सेमी नॉकडाउन, कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशंस, बैचेस और लॉट्स के केस में जहां गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, लिक्विड गैस के केस में, और उन केस में जो कि स्पेशली नोटिफाइड सप्लाइज हो फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी चालान। तो हमने इस वीडियो में 13 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाना जो कि GST में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए कीप विजिटिंग मिराकुलस टैक्सेस। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।